आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि एक ऐसा ब्रिज है जिसमें पिलर को यूज़ नहीं किया गया है, एकदम फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर, मतलब दो ही पिलर है, फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में किसी भी तरह का पिलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुल बिल्कुल उसी तरह से मजबूती की हालत में खड़ा है। और दोस्तों पूरी तरह से एक मेटलिक ब्रिज है, पूरी तरह से मेटल से बनाया गया है, स्टील से बनाया गया है, और उस समय इसे बनाने में जो स्टील सप्लाई किया गया था वो अपने ही देश के टाटा कंपनी ने स्टील सप्लाई किया था। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी हूँ मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में और आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का हावड़ा ब्रिज, और साथ ही साथ बात करेंगे इसके कुछ इतिहास के बारे में। आज का ब्लॉग आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरफ है हावड़ा जंक्शन और उसी के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा हावड़ा ब्रिज जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि एक ऐसा ब्रिज है जिसमें पिलर को यूज़ नहीं किया गया है, एकदम फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर, मतलब दो ही पिलर है, फर्स्ट एंड लास्ट, और बीच में किसी भी तरह का पिलर नहीं है, लेकिन फिर भी ये पुल बिल्कुल उसी तरह से मजबूती की हालत में खड़ा है। और अगर आप रात में इस हावड़ा ब्रिज को देखेंगे तो इसकी जगमगाहट देखने के लायक होती है। इसका नाम पहले हावड़ा ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के रविंद्र सेतु रख दिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। दोस्तों अगर बात करें इसके मेकिंग टाइम की, तो हावड़ा ब्रिज का निर्माण साल 1936 में शुरू हुआ था और 1942 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद 3 फरवरी 1943 को ये आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और दोस्तों ये जब बना था तो उस समय ये दुनिया का अपने तरह का तीसरा लंबा ब्रिज हुआ करता था, और पहले इसका नाम हावड़ा ब्रिज हुआ करता था, लेकिन बाद में पोएट रविंद्रनाथ के नाम पे इसे रविंद्र सेतु नाम इसका रख दिया गया। दोस्तों यूँ तो दुनिया में बहुत सारे ब्रिज हैं जो कि अलग अलग नामों से, लेकिन कुछ ही ऐसे ब्रिज हैं जो अपने नाम और अपनी पब्लिसिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हावड़ा ब्रिज भी उन्हीं में से आता है। और दोस्तों आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ और सिर्फ 280 फीट के दो पिलर हैं पहला और लास्ट में, और उन्हीं दो ब्रिज पे टिका हुआ है हावड़ा का पूरा लंबा चौड़ा ब्रिज। दोस्तों पूरी तरह से एक मेटलिक ब्रिज है, पूरी तरह से मेटल से बनाया गया है, स्टील से बनाया गया है, और उस समय इसे बनाने में जो स्टील सप्लाई किया गया था वो अपने ही देश के टाटा कंपनी ने स्टील सप्लाई किया था। और आप इस तरफ देख सकते हैं यह है हुगली रिवर जो कि एक समय में जो कि ट्रांसपोर्टेशन का, वाटरवेज का एक बहुत ही बड़ा साधन हुआ करता था, और अभी भी बहुत सारे आपको शिप यहाँ से दूसरे देशों में जाते हैं, और उस समय में जो लोग यात्रा किया करते थे तो इसी ब्रिज से गुजर कर यात्रा किया करते थे, और यही वजह है कि इसी ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, चूँकि हावड़ा ब्रिज पे जहाज़ टकरा नहीं जाए इसीलिए एक हुगली ब्रिज बनाया गया है, जहाँ जहाज़ के आने के बाद में वो ब्रिज दो टुकड़ों में बढ़ जाता है तो वहाँ से जहाज़ पार हो सकता है। बता दें कि इस ब्रिज को बनाने में लगभग 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, जिसे भारत की कंपनी टाटा ने स्टील सप्लाई किया था। और दोस्तों ये भी एक ख़ास बात है जो कि हावड़ा ब्रिज में ही पाई जाती है, इसमें स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह से नट बोल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है
वो कील है, कीलों का इस्तेमाल किया गया था एक दूसरे प्लेटों को जोड़ने के लिए। और जब भी आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पे आए तो उस तरह की फेरी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उस तरह की फेरी की सवारी ज़रूर करें। आपके लिए ये मोमेंट काफ़ी मेमोरेबल हो जाएगा दोस्तों। और जब भी आप कोलकाता आएंगे तो इस ब्रिज को देखने के बाद इसकी तारीफ़ करने में थकेंगे नहीं दोस्तों। आप इसमें हर वो चीज़ है जो इसे एक ऐतिहासिक ब्रिज बनाता है। यही ये पुल है जो कि हावड़ा ब्रिज से पूरे कोलकाता को जोड़ता है। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज का फुल टूर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस हावड़ा ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।